गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? एनिमल किंगडम के एक बेहतरीन कंटेंट के साथ में एक बार फिर से हम लोग इन चीज़ों को स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक की सीरीज में, है ना। एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक की सीरीज में इस सीरीज का एक बेनिफिट आपको हमेशा के लिए ये बता दूँ कि आपको कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा लास्ट में जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। चीज़ें स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा समय लगाए। मेरा नाम अनुराग तिवारी है, आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर, और बेसिक चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है बट स्टिल कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर बाकी चीज़ें दे रखी। हाँ, इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर फॉलो करें। फ़ायदा आपका ये हो जाएगा कि आप कंटेंट वाइज चीज़ें अच्छे से समझ पा रहे होंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। अनअकैडमी आपको यूट्यूब पर पढ़ाने के अलावा साथ साथ में आपको प्लस प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ाता है। तो प्लस एक पेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और लाइक आप कुछ भी देख सकते हैं, कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ में मिलता है। बच्चों, आपको थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, है ना, तो आप जा सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए, जहां पर आपको प्लस के सारे फीचर्स के साथ साथ में पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं, इंक्लूडिंग स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल। जो बेहतरीन फीचर है वो ये कि आप यहाँ पर लाइव डाउट सेशंस ले सकते हैं, लाइव डाउट सेशंस हैं, लाइव मेंटरिंग सेशंस हैं और प्रिंटेड नोट्स भी मिल रहे होते हैं, है ना। आप यहाँ पर स्लॉट बुक करके ऑडियो कॉल के थ्रू अपने डाउट्स ले सकते हैं, अपने मेंटोर से कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। तो ये बेसिक फीचर्स हैं। एक साल का सब्सक्रिप्शन प्लस और आइकॉनिक में थोड़ा सा फर्क है, ध्यान से देखेंगे। 80 सर कोड यूज करने पर आपको 34,650 का प्लस सब्सक्रिप्शन एक साल का मिल जाता है, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 80 सर कोड यूज करते ही 58,500 का मिल जाता है। तो बेसिक चीजें आप समझ रहे हैं यहाँ पर। एक और अच्छी बात ये कि कुछ नए बैचेस लॉन्च हुए हैं आज से। अल्फा लीडर बैच बेहतरीन बैच है, मेरा पर्सनल फेवरेट अचीवर्स प्लस बैच 27 से ही स्टार्ट हुआ है, है ना, साथ में ही अचीवर बैच। तो 2-3 बैचेस हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो बच्चों लगभग 200 प्लस क्वेश्चंस हैं, तो हम इसको क्विक फॉर्म में करने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चंस बेहतरीन तरीके से। एक अच्छी बात ये कि आपको करना कुछ भी नहीं है, बेसिक इन सारे लेक्चर्स को देखना है, सारे एमसीक्यूज को टिप्स पर याद करना। फर्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म शेप में भी डिफरेंट होते हैं, फॉर्म में भी डिफरेंट होते हैं, साइज और हैबिटेट में डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो आंसर विल बी डी, क्वेश्चन नंबर 2। नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पॉन्ज, स्पॉन्ज बहुत से सेल से बने होते हैं बट अभी तक टिश्यू लेवल नहीं आया होता है, क्वेश्चन नंबर 3। विच फाइलम शो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम बात करते हैं सिलेंट्रेटा की, किसकी बात कर रहे हैं, सिलेंट्रेटा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फाउंड, है ना, तो इट इज ऑलवेज प्लाटी हेलमेंथीज। क्या वर्ड यूज किया, प्लाटी हेलमेंथीज, ऑर्गन सिस्टम। आपको बहुत से एग्जांपल्स हैं कल की तरह ना। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, ब्लाइंड सैक, प्लांट किसमें मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्लाटी हेलमेंथीज, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं बच्चों, प्लाटी हेलमेंथीज। ओके, नेक्स्ट, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन एनिलीडा एंड सिफेलोपोडा, एनिलीडा एंड सिफेलोपोडा, ठीक है। नेक्स्ट, इन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, इन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा, ब्लड फ्लो साइनस के थ्रू होगा, ब्लड प्रेशर लो होगा क्योंकि कोई पंपिंग तो है नहीं, सिंपल फ्लो हो रहा है। ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, है ना, ऑक्टोपस वगैरह को छोड़ दो, बाकी सब में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन एनिलीडा में भी है, सिफेलोपोडा में भी है जो कि मोलस्का वाले पार्ट है, है ना, और वर्टिब्रेटा में तो है ही है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज फॉल्स अबाउट क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पर ब्लड प्रेशर हाई है, रेगुलर है, ना, ये तो ठीक है ना, फॉल्स पूछा है। ब्लड इज लिमिटेड, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटेड थ्रू आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, बट ब्लड प्रेशर हाई रहता है, लो नहीं रहता, दिस विल बी द रॉन्ग थिंग एंड दैट्स व्हाई दिस विल बी द आंसर, ये डी विल बी द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 10, व्हेन द बॉडी ऑफ एन एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल लेफ्ट एंड राइट हाफ बाय वन प्लेन सिमेट्री, इट इज नोन एज, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 11, रेडियल सिमेट्री शोन बाय, हाँ जी, तो सिलेंट्रेटा और
एडल्ट इकाइनोडर्मा, ना सिलेंड्रेटा और एडल्ट इकाइनोडर्मा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्पॉन्ज आर बहुत क्लियर, तो बायलेटरल है, रेडियल है, बायरेडियल है, क्या ऐसा है? नहीं, बायलेटरल नहीं होते, उसके लार्वा होते हैं, रेडियल नहीं होते, दे आर एसिमेट्रिकल स्पॉन्ज की बात कर रहे हैं अगर आप पढ़कर आए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट डिप्लोब्लास्टिक एनिमल दैट इज सिलेंट्रेटा, ऐसे क्वेश्चन पर स्टार लगाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहली बार न्यूरल सिस्टम किसमें मिला, पहली बार डिप्लोब्लास्टिक किसमें मिला, पहली बार, तो ऐसे फर्स्ट टाइम वाले चीजों को आपको याद रखना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लैटीहेलमिंथेस, ठीक है, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना, प्लैटीहेलमिंथेस, ओके। नेक्स्ट, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कंटेन व्हाट, तो आंसर याद रखेंगे, तीनों ही बातें हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट 16th, एस्किहेलमिंथेस में क्या होता है? स्यूडोसिलोमेट। एस्किहेलमिंथेस में क्या होता है बच्चों? स्यूडोसिलोमेट, बिल्कुल क्लियर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिलोमेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हाट, एसिलोमेट की बात है, तो प्लैटीहेलमिंथेस, एसिलोमेट पूछा है, क्योंकि फ्लैट होते हैं, फ्लैट में किसी तरह का सिलोम जैसा सिस्टम नहीं होता है। नेक्स्ट, मेटामेरिक सेगमेंटेशन मतलब रिपीटेशन की बात कर रहे हैं, और ऐसी चीजें आपको एनिलिडा में स्पेशली मिलती हैं। 19th, नोटोकॉर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लेयर, नोटोकॉर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लेयर, है ना, ठीक है, तो मेसोडर्म क्लियर है, मेसोडर्म याद है बिना किसी डाउट। 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नोटोकॉर्ड, करेक्ट अबाउट नोटोकॉर्ड, डॉर्सी वेंट्रली सिचुएटेड, मेसोडर्मल, रॉड लाइक, तो ऑल ऑफ दैम, ठीक है। 21, रेडियल सिमेट्री इज शोन बाय, कौन शो करता है? टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, अदरवाइज तो लार्वा तो सिंपल बायलेटरल में भी काम चला देता है, ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री की बात करें, जैसे स्टारफिश वगैरह की बात करें, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 आसान है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन सिलेंट्रेटा इज, आसान है, ट्राई कर सकते हो। 22 की बात करो, दोनों के बीच में कौन सी लेयर होती है? तो अनडिफरेंशिएटेड मास है, चिपचिपा सा जेली लाइक सब्सटेंस, उसको मेसोग्लिया बोलते हैं बच्चों, क्या? मेसोग्लिया। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मेटामेरिज्म, है ना, मेटामेरिज्म, तो बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही डिवाइडेड होते हैं, इनको बोलते हैं मेटामेरिज्म, ओके। नेक्स्ट वन, 24, इन सम एनिमल बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, मेसोडर्म मतलब मिडिल लेयर, हां, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट स्कैटर्ड पाउच, है ना, के फॉर्म में है, तो उसको बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट, ठीक है, एग्जाम्पल्स याद करें। 25, Following are silomate except, following are the silomate except, है ना, बहुत सिंपल, बहुत आसान, except platyhelminthes, जिसमें सिलोम नहीं होता है, क्लियर। 26 की बात कर रहे हैं, बहुत आसान है, सिंपल है, सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर सेसाइल, सेसाइल समझते हो, जो जमीन पर अटैच्ड है, आपको टोटल लिखने हैं कौन कौन से, अमीबा, है ना, एडेम्शिया, हाइड्रा, ठीक है, तीन बातें याद रखें। 27, अगला 27 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट, वन सॉलिटरी एंड कॉलोनियल, मेजोरिटी लिव इन दिस, एसिमेट्रिकल भी होते हैं, 27, ठीक है, बहुत अच्छे, करते जाओ, एंड द बेस्ट थिंग इज हम लगभग कुछ नहीं तो 240 क्वेश्चंस करने वाले। 28, ये क्लास लगभग 2 घंटे चलेगी, 11 से 12 के 1 बजे तक। मेंबर ऑफ फाइलम पॉरीफेरा आर कॉमनली नोन एज, पॉरीफेरा की बात करें, स्पॉन्ज, है ना। नेक्स्ट 29 की बात करेंगे, वाटर पाथ इन स्पॉन्ज इज, इट इज ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील एंड ऑस्किलम, क्लियर, परफेक्ट। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पॉन्ज इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करें, है ना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन।
ट्राई करना है, स्क्वानोसाइट्स एंड कॉलर सेल जिसको आप बोलते हो, ठीक है, और वो जो कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम। 31 बताएंगे, कैरेक्टर्स हैव ऑल स्पॉन्ज, जो कि सारे स्पॉन्ज के पास होते हैं, दैट इज हर्माफ्रोडाइट होना सब सारे स्पॉन्ज की खास बात। नेक्स्ट 32, टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट बिलोंगिंग टू द स्पॉन्ज है। तो हम ये बात करें कि सेलुलर भी है बॉडी में, स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स भी हैं, लार्वा मॉर्फोलॉजिकली एडल्ट के फॉर्म में भी है ना। पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन गैदरिंग फूड, हर्माफ्रोडाइट भी हैं और दे शो पावर, ठीक है। आप देखोगे कि यहाँ पर 6 के 6 सारे सही है ना, दिस विल बाकी गलत। 32 में हमारे पास बी विल बी द आंसर। सेलेक्ट द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज फ्रॉम द फॉलोइंग, तो फ्रेश वाटर स्पॉन्जिला है, कोई डाउट नहीं। साइकॉन का दूसरा नाम क्या है, स्काइफा है ना। 35, मैच द फॉलोइंग, तो ए का 2 आएगा स्काइफा, अभी अभी बात होगी है ना, बी का फ्रेश वाटर आंसर आ गया, ए का 2 यहीं से आ गया। 36, टोटल नंबर ऑफ मेराइन, तो वहां से हटा दो फ्रेश वाटर को है ना, स्पॉन्जिला हटा दो, तो बचे कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से एक हटा दिया, बचा 4, दिस विल बी द आंसर, ठीक है, दिस विल बी द आंसर, बहुत आसान। नेक्स्ट वन 38, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल हैविंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ना, सेलुलर लेवल ऑफ, दैट इज स्पॉन्ज, ठीक है। 38 बोलेंगे, वाटर एंटर थ्रू माइन्यूट पोर इन द बॉडी वॉल इन टू सेंट्रल कैविटी इन स्पॉन्ज, वॉटर एंटर थ्रू द माइन्यूट पोर इन द बॉडी वॉल इन टू सेंट्रल कैविटी, दैट इज ऑस्टिया, छोटे छोटे छेद होते हैं। इन स्पॉन्ज स्पर्म एंड ओवा आर प्रोड्यूस्ड बाई सेम इंडिविजुअल, थोड़ी 9 की बात कर रहे हैं, उसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, जितने भी स्पॉन्ज होंगे वो हर्माफ्रोडाइट होते ही होते हैं। कैनाल सिस्टम एंड क्वेनोसाइट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीफेरा, 41 है ना, 41 की बात कर। इन स्पॉन्ज कॉमनली सीन लार्वा आर स्पॉन्ज में, तो आपके पास एम्फीब्लास्टुला, हालांकि ये सिलेबस नहीं है, बट यू कैन स्किप दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किप करोगे तो। डाइजेशन इन स्पॉन्ज कैसा होता है, इंट्रासेलुलर है ना, इंट्रासेलुलर, बिल्कुल क्लियर। धरानी है, सोफिया है, वैष्णवी है ना, कुछ बचे हैं, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्ज, 43 की बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ मोड ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सच एज जिम्यूल, बिल्कुल ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, क्योंकि लार्वा है, दैट्स व्हाई इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। 44, एक्सोजेनस बडिंग स्काइफा में मिलती है। 45 की बात करें, फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर रिलेटेड टू फाइलम है ना, किस फाइलम से, एक्वेटिक हैं, रेडियल हैं, सेसाइल हैं, पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, सिलेंट्रेटा, क्या सिलेंट्रेटा, याद रखेंगे और क्वेश्चन के साथ में लिखो, ठीक है। नेक्स्ट वन 46, नीडोब्लास्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेंट्रेटा, ओके, बातों को याद रखेंगे, नीडोब्लास्ट। नेक्स्ट वन 47, फर्स्ट डिप्लोब्लास्टिक एनिमल शोइंग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही आसान। गॉर्गोनिया, क्या वर्ड यूज किया, गॉर्गोनिया, वेरी इंपॉर्टेंट। 48, नीडोब्लास्ट इज यूज फॉर एंकरिंग कैप्चरिंग द प्रे, डिफेंस एंड आंसर इज वॉर, ठीक है। एग्जाम्पल याद होगा तभी इस चैप्टर को करना, वरना तब आना जब चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स याद हो जाए, क्योंकि सारा चैप्टर ही ये और प्लांट किंगडम एग्जाम्पल बेस्ड है बच्चों, तो फोकस ऑन द एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल खोल लो कोई प्रॉब्लम नहीं। 49 देखो, भरा पड़ा है एग्जाम्पल से, आप इसको देख लेना है ना, मुझे तो करवाते करवाते रट ही गया, टोटल 7। 50 की बात करें है ना, 50 करेक्ट मैचिंग में पिनाट्यूला को सी पेन बोलते हैं, याद रखेंगे। इनकरेक्ट मैचिंग की बात कर रहे हैं तो मेंड्रिना सी एनिमल नहीं होता है, तो दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सम निडेरियंस एग्जांपल, कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ, 52
कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। क्लियर सी बात, क्या कैल्शियम कार्बोनेट। मेटाजेनेसिस किसमें मिलती है, तो ओबिलिया, इसमें एक बार सेसाइल एक बार फ्री लिविंग, स्विमिंग के फॉर्म, है ना, फ्री स्विमिंग सेसाइल, ऐसे 54 बोलेंगे। तो 54 में हमारे पास नॉट अ ट्रू फिश जेली फिश, है ना, एक इसमें आते हैं ना निडेरियंस। अच्छा, अम्ब्रेला शेप एंड फ्री स्विमिंग फॉर्म ऑफ सिलेंड्रेटा रिप्रोड्यूस बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज, 55 की बात करें, मेड्यूसा की बात करेंगे, है ना, आंसर विल बी व्हाट, मेड्यूसा। क्लियर। अच्छा जी, 56 सेसाइल सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑफ सिलेंड्रेटा रिप्रोड्यूस बाय ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, पॉलिप। 57 पॉलिप एसेक्सुअली मेड्यूसा बनाता है, मेड्यूसा पॉलिप बनाता है, ऐसा किस में होता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, मैंने बताया अभी, मेटाजेनेसिस। क्या वर्ड यूज किया बच्चे, मेटाजेनेसिस, ये दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटाजेनेसिस, बिल्कुल क्लियर याद, ठीक है, एक बार पॉलिप बना, एक बार मेड्यूसा बना, एक बार सेक्सुअली एक बार एसेक्सुअल। 58 बोलो, 58 की बात कर रहे हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन है, बहुत आसान। Select from the following total number of organism which contain word C in the common name. Yes, याद रखना है। 59, which of the following is Portuguese man of war? It is Physalia. Word क्या use किया बच्चों? Physalia. 60, phylum in which first time nerve net arises. है ना, nerve net arises. Phylum की बात। 61. गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग इज फाउंड इन, 61, ठीक, क्लियर। सिलेंड्रेट्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड बाय, 62 की बात करें तो बडिंग। नेक्स्ट 63, लार्वल स्टेज इज शोन बाय, है ना, सिलेंड्रेटा इज कॉल्ड एज, 63 में प्लैन्यूला लार्वा याद रखेंगे। 64, बहुत आसानी से देखो, ए का 5 है, बिल्कुल बिंदास, ए का 5 तो सब में है, पर क्या हुआ, बी का 4 है ना, 3 तो हटाएंगे, बी का क्या है बच्चों, 4 है, प्लीज याद करेंगे, सी का 3 है, ठीक है ना, सी का, सी पेन, अच्छा सी का 3 सिर्फ यही पर है, ओके मुझे आंसर मिल गया, ठीक है ना, इस तरह से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आंसर निकाल सकते हो। टीनोफोरा आर कॉमनली नोन एज, 65 सी वॉलनट या पॉम जेली, दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है। 66 बताओ, बहुत आसान। 66 में फॉलोइंग फीचर बिलोंग टू विच फाइलम, 66 सिर्फ मेराइन है, रेडियल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक है और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इट विल बी टीनोफोरा, ठीक है। 67 बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ ciliated complex present in the phylum. Clear? Ctenophora shows what? Ctenophora क्या दिखाता है? They show bioluminescence, है ना? वो चमकते हैं sunlight में. चलो अगली बात करते हैं. Example of Ctenophora क्या होगा यहाँ पर बच्चों? छोटा सा question. है ना? चलो जी अगली बात. नेक्स्ट 70 की बात करें, फॉलोइंग फीचर्स बिलोंग टू विच फाइलम, बायलेटरल भी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एसिलोमेट है, ऑर्गन लेवल है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंडेड है, फ्लैट सिर्फ प्लैटीहल बनती है, प्लेनेरिया वगैरह के एग्जांपल आपको याद है, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, प्लैटीहल बनती, इसको फ्लैट वॉर्म क्यों कहते हैं, मेन फंड है ना, व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्लैट वॉर्म, क्योंकि डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंडेड है, बिल्कुल क्लियर, हम कह सकते हैं हाँ या ना, ठीक है ना, कह सकते हैं बिल्कुल क्लियर फॉर्म। अब यहां बताओ प्लैटीहेलमिंथीस का फीचर क्या क्या है, बहुत क्लियर, न्यूट्रिशन होस्ट से डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, कुछ है ना, सारे नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, ब्रांच्ड है और विदाउट एनस है, हाँ ये भी ठीक है। फ्लेम सेल्स सोलेनोसाइट्स एक्सक्रीशन करवाते हैं, ठीक है, हुक एंड सकर कुछ में प्रेजेंट है, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, तो ये मुझे लगता है सारे ही सही हैं फिर तो, है ना, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है,
है ना, तो ऑल ऑफ देम आंसर क्या हो गया बच्चों? हाँ कल मॉर्निंग में इसी का पी वाई क्यू कर लेंगे ना बच्चों, कल मॉर्निंग में इसी का पी वाई क्यू कर लेंगे, बहुत आसान। ठीक है चलो, सेवेंटी थ्री विच प्लैटीहेलमिंथीज हैव हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, 73 की बात करो, दैट इज प्लैनेरिया, ड्यूकेशिया भी बोलते हैं, 74 फ्लेम सेल्स हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, है ना, डन। टेप वॉर्म में ऐसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज सीन इन फैसियोला में मिलती चीजें ऐसे ना, फैसियोला। ये डायग्राम बताना है ना, इस डायग्राम के बेसिस पर भाई, इसमें फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल होता है, डेवलपमेंट लार्वल स्टेज के थ्रू होता है और एक्सक्रीटर सिस्टम, ये आपको एग्जांपल यहां पर क्लियर। 77 फाइलम हूज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली एंडो पैरासाइट, तो प्लैटीहेलम। ठीक है नेक्स्ट वन 78 विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्यूडो सिलोमेट, 1 2 3 एंड दिस, ठीक है डन। 79 द बॉडी ऑफ एस्की हेलमेंथी इज ए सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन एंड हेंस नेम्ड एज राउंड वॉर्म, क्या वर्ड यूज किया बच्चों? राउंड वॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। राउंड वॉर्म या नेमाटोडा की जब भी मैं बात करता हूं तो ये हमेशा फ्री लिविंग होते हैं, बात अभी हो गई, पैरासिटिक भी होते हैं कुछ कुछ, कुछ एक्वेटिक होते हैं। आंसर इज ऑल, आंसर इज व्हाट बच्चों? ऑल। ठीक है मैं कह सकता हूं कि क्या ये सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलो जी अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, 81 की बात कर रहे हैं, आपको चीजें कैलकुलेट कर लेनी है इसमें से। 82 की बात करें, विच कैरेक्टर डो नॉट बिलोंग टू द फाइलम एस्की हेलमेंथीज, एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट है, वेल डेवलप्ड है, मस्कुलर फेरिंग्स है, ये आपको हेमिकॉर्डेटा में, आपको ये चीजें याद समझना है ना। चलो तो नॉट बिलोंग टू दिस, नेक्स्ट 83 बोलो बच्चों। 83 इज सिंपल अगेन, हमें पता है एस्कैरिस बाउचेरिया, ये तो सीधा ही सीधा जा रहा है, दिस विल बी द आंसर, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। ठीक है डन, अच्छा जी अगली बात कर लेते हैं, है ना। एडी फोर बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एस्कैरिस, तो फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, ये वर्ड याद रखेंगे। 85 बोलो बच्चों, 85 सिंपल, सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग विच कंटेन वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स विद कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, है ना, तो आपको डायरेक्ट याद करना है डाटा भाई, एग्जाम्पल है, मैंने बोला एग्जाम्पल्स आपको करने ही करने हैं, ठीक है बिना किसी कंफ्यूजन। मेटामेरिज्म इज फाउंड इन 86 लीच, ओके तो ये कहानी आपको लीच समझ में आ गई। 87 की बात कर रहे हैं, 87 में नेफ्रिडिया हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, जिसमें ऑल ऑफ देम, आंसर क्या चला गया बच्चों? ऑल ऑफ देम, बिल्कुल क्लियर था, चीजें स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे तो पॉसिबिलिटीज ज्यादा से ज्यादा अच्छी बन जाएंगी, है ना। नेक्स्ट वन 88 की बात करो, अच्छा है आसान, 88 में अच्छा है, चीजें बहुत सिंपल है और आसान, ट्राई करें। 88 क्लोज द सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन, आपको पता है नेरिस में भी मिलते हैं और फेरिटीमा जो अर्थवॉर्म है उसमें भी मिल रहे होते हैं, ठीक है तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डन ओके।
89 एनिमल हैविंग सिलेंड्रिकल बॉडी हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम विद एनेलिडा, राइट? 90 की बात करें, एनेलिडा मे बी, है ना, एनेलिडा मे बी। तो देखो बेटा, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग पैरासाइट, सबकी बातें कर, है ना, सबकी बातें कर सकते। अच्छा जी, अगली बार ये कहानी क्लियर। 91 बताना, सिंपल है, ट्राई करेंगे, है ना, सिंपल है, ट्राई करेंगे। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया और लेटरल नर्व्स होते हैं, डबल नर्व कॉर्ड ऐसे करके, वो लेटर लाइक होते हैं ना, ऐसे आपस में जुड़े होते हैं, दो दो नर्व कॉर्ड होते हैं, नरिस में ऐसी चीजें मिलती हैं आपको ना। ठीक, एक बात क्लियर। अच्छा जी, 92 की बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोशियस, टू विल बी द आंसर। मोनोशियस की बात कर रहे हैं, ट्रू सिलोमेटिक फ्लैंज, इसमें बात करें ना, सिलोम किसके किसके अंदर है, बहुत सिंपल सी बात, आसान, बहुत ही आसान। ट्राई कर सकते हैं एक बार क्विक फॉर्म, है ना, ट्राई कर सकते हैं एक बार क्विक फॉर्म में। ठीक है ना, ट्रू सिलोमेट, तो नेरिस इज ट्रू सिलोमेट, बिल्कुल क्लियर, आसान शब्दों में, है ना, बिल्कुल क्लियर और आसान शब्दों में आपको इसको देख सकते हो। अच्छा, 94, फॉलोइंग फीचर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, 94, एनेलिडा विल बी द आंसर, एनेलिडा विल बी द आंसर, बिल्कुल क्लियर। 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पैरापोडिया, पैरापोडिया का काम क्या होता है ये बताओ भाई, स्विमिंग होता है, क्या काम होता है, स्विमिंग होता है। ठीक, नेरिस में देखा ना आपने, ऐसे ऐसे करके होता है उसमें, ऐसे 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 पूरी बॉडी में, ठीक है, इधर भी ऐसे ऐसे ऐसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम, ऑफ कोर्स आर्थ्रोपोडा, और सेकंड लार्जेस्ट इज मोलस्का, कोई डाउट नहीं। हाउ मेनी स्पीसीज अर्थ पर जो आर्थ्रोपोडा हैं, तो आपको 2/3 अर्थ, है ना, अगर 300 हैं तो 200, तो ठीक है, आप ऐसे आप डन। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम लाइज द बॉडी जनरली इनटू हेड, थॉरेक्स एंड अबडोमेन, है ना, क्या, हेड, थॉरेक्स एंड अबडोमेन, वेरी सिंपल, बहुत आसान। ठीक है, बताओ क्विक फॉर्म। बोलो बोलो बोलो, यस ऑफ कोर्स, ऑर्थोपोडा, 98 बोलो, अगला बताओ बच्चों, 98 की बात कर, 99 है ना, सेगमेंटेशन किसके अंदर मिलती है, हम अगेन बता सकते हैं, एनिलिडा और ऑर्थोपोडा दोनों में ही मिल रही है, वेरी गुड वैष्णवी। नेक्स्ट वन इज 100, द फॉलोइंग फीचर आर सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, बिलो, ये याद रखेंगे बिना डाउट के। 101, है ना, 101 में हम क्या लिखते हैं, रेस्पिरेशन अकर थ्रू ऑर्गन गिल्स, वो गिल्स, वो लंग्स, ट्राकिया, क्लियर। ऑर्थ्रोपोडा की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, ऑर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट वन इज व्हाट, 102, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंसरी ऑर्गन इन ऑर्थ्रोपोडा, 102, तो ये हमारे पास सेंसरी नहीं है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना, तो ये दिस विल बी द आंसर, एक्स ऑल एक्सेप्ट। 103 की बातें करें, बहुत आसान सा है, करेक्ट अबाउट रिप्रोडक्शन इन ऑर्थोपोडा, इंटरनल भी है, डैशियस है, वी ओविपेरस हैं, पार्थेनोजेनेसिस जैसे हनी भी ये भी शो करते हैं, तो आपको चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है, डाउट नहीं। इक्टाइसिस इज अ सीन इन केस ऑफ कॉकरोच, ठीक है, एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोडा आर काइटिनियस, है ना, एंड शेड एंड इंटरनल अल्फा, तो बॉडी से बाहर वही एक्डाइसिस वाली बात करें, ये किस में शो होता है आपको पता, दिस इज कॉल्ड एज एक्डाइसिस या मोल्ट,
डाइसिस या फिर बच्चों क्या बोलेंगे इसको, मॉल्टिंग बोलेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर। 106, प्रेजेंस ऑफ ज्वाइंट अपेंडेजेस इज द स्पेशलिटी ऑफ फाइलम बोन, ठीक है। 107, bilateral symmetry, triploblastic, segmented, coelomate and covered by chitin, arthropoda, ठीक है। 108, which of the following is a true for arthropoda, true, so development may be direct or indirect, open circulatory system, है ना, excretion takes place by green gland, all of them। 109, select from the following the total number of useful insect, आपको पता है एपिस इंडिका, बॉम्बेक्स, मोराई, लैसिफर, ठीक है, ये कुछ हैं जो आपको याद रखने, तो तीन विल बी द आंसर, ये तीन हैं जो आपको याद, बाकी सब तो ठीक है। 110, यहां पर भी आपसे पूछा गया है फाइलम ऑर्थोपोडा से कौन कौन है ना, तो लोकस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन है ना, प्रॉन, ठीक है, और कौन कौन से, क्यूलेक्स है ना, तो ऐसे करके आपको टोटल छह हो गया ना, टोटल छह हो गया, ठीक। 111, सेलेक्ट द लिविंग फॉसिल लिमुलस बोलते हैं, किंग क्रैब, ठीक है, किंग क्रैब की बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज 112, तो क्यूलेक्स भी, एनोफिलीज भी, एडीज भी, ये सारे ही मॉस्किटो हैं। 113, लिमुलस का दूसरा नाम किंग क्रैब, बिल्कुल ठीक। 114, ग्रिगेरियस जो झुंड में रहते हैं, लोकस्टा, याद रखेंगे, सिर्फ एग्जाम्पल बेस्ड चैप्टर, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल बेस्ड चैप्टर, आप बेहतरीन तरीके से इसको कर सकते हो, मतलब ये मानकर चलो कि परफेक्शन आ सकता है इस चैप्टर में, इतना सिंपल चैप्टर है ना, परफेक्शन आ सकता है। 115, ट्राई करें। 115 की बात करते, ए का 2, बी का 1, सी का 3, 4 का 10, याद रखेंगे। 116 की बात करो, बिलोंग्स टू द ऑर्थ्रोपोडा, तो पेरिपेटस भी है, सेंटीपेड भी है, कॉकरोच है, प्रॉन है, सब कुछ है, डन, परफेक्ट। 117, animal with soft body, bilateral symmetry, triploblastic, unsegmented, usually protected by a shell, and a made up of calcium carbonate, belongs to the phylum, belongs to the phylum, answer ho gaya this mollusk, theek hai। 118, mouth which has file like rasping organ, feeding called as radula is found in, 118, mollusca। Next is body of unsegmented with a distinct head, yeah, distinct head, muscular foot and this, so yahan par hum kya bolenge, devil fish, kya word use karenge, devil fish, theek hai। 120, a soft and spongy layer of skin ki baat kar rahe hain, isme se kaun kaun se features hain jo mollusca ke bare mein hai, तो वो जो स्किन फॉर्म होती है वो किसकी है, वो मेंटल बोलते हैं, ओवर द विसरल हम के ऊपर मेंटल कैविटी को बोलते हैं, मेंटल कैविटी है ना, ये भी, और गिल लाइक जो है वो फेदर लाइक गिल है इसका, और एंटीरियर हेड हैज सेंसरी टेंटिकल्स, यहां पर क्या आ जाएगा, टेंटिकल्स, सी विल बी द आंसर। 120 का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। 121 है ना, अच्छा क्वेश्चन, ट्राई कर सकते। Which of the following is true about reproduction in mollusca? True about reproduction in mollusca? तो भाई डायशियस होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ओविपेरस होते हैं, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी है और इंटरनल। आंसर क्या हो गया, क्लियर है, आसान। चलो अगली बात। 22, डेविल, which of the following is not a fish? भाई डेविल फिश, ऑक्टोपस बोल रहे हैं, कटल फिश भी नहीं है, जेली फिश भी नहीं है,
इसका मतलब क्या हो गया, ऑल ऑफ देम विल बी गेम्स। 23 ए का 2 हो गया, वो डाउट नहीं। बी का 4 हो गया, वो डाउट नहीं। ए का 2 बी का 4 ओके आंसर आ गया। डेविल फिश क्या है, ऑक्टोपस है। 124 ऑक्टोपस बता दिया मैंने आपको। मेजोरिटी ऑफ द मोलस्कंस कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। 26 टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रही है, बहुत क्लियर। 26 आंसर बताना है, आसान ही है, कैलकुलेट कर। 27 मेंटल कैविटी इज द साइट ऑफ एक्सक्रीशन रेस्पिरेशन। 28 शेल एंड मोलस्का इज, शेल एंड मोलस्का इज एक्सटर्नल इंटरनल और अनसेगमेंटेड ट्रिप्लोब्लास्टिक यूसिलोमेट। ठीक है ना, बहुत क्लियर, बहुत आसान। समझ गए तो वंडरफुल, नहीं समझे तो वेस्ट। 130 सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो इनकरेक्ट में ये फाइटिंग फिश तो नहीं है ना, बात समझ पा रहे, फाइटिंग फिश तो नहीं बोली, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीज। डन डन डन, चलो भाई। 131 इनकरेक्ट मैचिंग यहां पर भी बतानी है। ठीक है, सी कुकुम्बर, क्या वर्ड यूज किया, सी कुकुम्बर। पिंक टाडा, पर्ल ओइस्टर, याद रखेंगे। 33 कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज सी अप्लाइज, ये हमने अभी देखा भी था, है ना। 34 बताओ, 34 एनिमल हैविंग कैल्केरियस एंडोस्केलेटन विथ ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, कंप्लीटली मेराइन, इकाइनोडर्मेटा, याद रखना है। देखो जब एग्जाम्पल आप करते हो तो हर चीज परफेक्शन के साथ में, ऑब्वियस सी बात। नेक्स्ट 35 इन विच फाइलम द लार्वा इज बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड एडल्ट हैव रेडियल सिमेट्री, इकाइनोडर्मेटा, क्या वर्ड यूज करना, इकाइनोडर्मेटा। 36 मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा, प्लीज याद रखेंगे इस बात को, वॉटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसको एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम बोलते हैं, है ना। 37 बहुत आसान, वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन लोकोमोशन, है ना, रेस्पिरेशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, है ना, आंसर विल बी ऑल ऑफ देम। 38 बहुत आसान, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिप्रोडक्शन इन इकाइनोडर्मेटा, यूनिसेक्सुअलिटी, यूजुअली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थ्रू दिस, है ना, एंड ऑल ऑफ देम, परफेक्ट। 39 यहाँ पर भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, वैसे तो बहुत टफ नहीं है, है ना, बहुत टफ तो नहीं है, क्लियर। 40 की बात करें, करेक्ट मैचिंग, ब्रिटल स्टार इज ऑनली करेक्ट वन, ऑफ यूरा बोलते हैं, है ना। 41 में भी, इनकरेक्ट में भी, क्योंकि मेरिया सी फैन है ना, सी फैन की बात करें, करेक्ट वाइज तो बाकी हैं, ये इनकरेक्ट। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट वन इज वॉट, नेक्स्ट वन सी अर्चिन बिलोंग्स टू बी क्लास 5। सी अर्चिन इकाइनोडर्मेटा, राइट, क्लियर, बहुत आसान, सिंपल। 40 बहुत अच्छी बात है। 43 अनदर नेम ऑफ क्यूक्यूमेरिया एज सी क्यूक्यूम्बर, है ना, क्या वर्ड यूज किया, सी क्यूक्यूम्बर। 44 विच फाइलम शो रीजनरेशन इन द लॉस्ट पार्ट इकाइनोडर्मेटा, जैसे स्टारफिश में नहीं होता, एक भी आर्म अगर उसकी कट गई
दोबारा से डेवलप कर लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं उसकी। 45 फॉलोइंग फीचर किसका है, देखो डाइजेस्टिव ट्रैक स्ट्रेट यू शेप है, वॉर्म लाइक है, अनसेगमेंटेड है, रेस्पिरेशन इज डन बाय गिल, प्रोबोसिस ग्लैंड, बस हो गया, यूरोकॉर्डिट है ना। 45 का आंसर क्या हो गया बच्चों, सॉरी सर, हेमिकॉर्डिट है ना, क्या वर्ड यूज किया हम लोगों ने, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, इट विल बी व्हाट, हेमिकॉर्डेट की बात है, बहुत क्लियर है ना, क्लियर। परफेक्ट, विच फाइलम, इसमें से कौन सा फाइलम है, हेमिकॉर्डेट एज ए फाइलम। चलो 47 की बात करें, लार्वा ऑफ हेमिकॉर्डेट, टॉर्नेरिया, याद रखेंगे, Which of the following is correct about reproduction in Hemichordata? बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, ट्राई तो करो। 48, तो सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर व्हाट, सेपरेट, बहुत आसान। द बॉडी विच इज सिलेंड्रिकल एंड कंपोज ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस एंड कॉलर एंड लॉन्ग नेक, 49, इट विल बी व्हाट, सैकोब्लॉसिस, परफेक्ट। 50, excretory organ of proboscis gland present in again sacoglossus, याद रखना है। Next one is what? Next one is what? Fundamental character of chordata. Fundamental character of chordata, बहुत आसान, try तो करो। Yes, notochord भी है, dorsal hollow nerve chord, ये भी है, ये भी। 52, which of the following is not a distinct characteristics of, याद रखना है, हार्ट इज वेंट्रल, नॉट बोला, नॉट, तो नॉट में डॉर्सल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ कॉर्डेटा, फीचर ऑफ व्हाट, कॉर्डेटा, बिल्कुल सिंपल, ये भी है, सीएनएस डॉर्सल है, हॉलो है, सिंगल है, हार्ट वेंट्रल है, पोस्ट चैनल प्रेजेंट है, तो ऑल ऑफ, परफेक्ट, ऑल ऑफ देम। एनिमल बिलोंग्स टू द फाइलम कॉर्डेट, आप देख रहे हो ना, सारे सिर्फ एग्जांपल हैं और हम स्पीड से कर पा रहे हैं 200-250 क्वेश्चंस। यस, कॉर्डेटा क्या शो करता है, बायलेटरल सिमेट्री, ऑर्गन लेवल, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। 55 की बात करें, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा को हम प्रोटोकॉर्डेटा, क्या वर्ड यूज किया, प्रोटोकॉर्डेटा। नेक्स्ट वन इज 56 में हम बातें करें, इन विच सब फाइलम नोटोकॉर्डेटा इज प्रेजेंट इन टेल ऑफ लार्वा, 56 में यूरोकॉर्डेटा। 57, नोटोकॉर्ड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलो का मतलब ही हेड से लेकर, सिफेलो का मतलब ही हेड होता है। 58, इसमें कितने हैं सिफेलोकॉर्डेटा से, तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल आपको याद है, ब्रैंकियोस्टोमा का दूसरा नाम क्या है बच्चों, तो आपको याद रखना होगा, चाहे एम्फियोक्सिस बोलो चाहे लैंसलेट बोलो, दोनों ही बातें पूरी तरह से ठीक है ना, एम्फियोक्सिस या लैंसलेट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, नोटोकॉर्ड इसमें ये इनकरेक्ट, टेल ऑफ एडल्ट लार्वा की बात कर रहे हैं, सिर्फ लार्वा में। 61, वर्टिब्रीज हैव व्हाट, 61 बाई वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, 3-4 चैम्बर, कुछ भी हो सकता है, फिश के पास भाई 2 चैम्बर, किडनी एक्सक्रीशन के लिए, पेयर्ड अपेंडेजेस, फिन्स या लिम्स, ऑल ऑफ देम, परफेक्ट। 62, बेहतरीन क्वेश्चन, एक्सोस्केलेटन क्या हो सकता है, स्केल्स, फेदर्स, हेयर्स या एनी ऑफ देम, यस एनी ऑफ देम, ठीक है। नेक्स्ट, All living numbers of class is ectoparasite on fish, 63. Cyclostomata का feature क्या है, character क्या है, 63. भाई 6-15 pair gills होते हैं respiration के लिए, sucking and circular mouth होता है, body के पास scales नहीं होते। Which of the following organism have cartilaginous cranium, vertebrates, closed circulatory system which helps in migrate and fresh water for spawning, यहां पर आपको चीजें याद है, ठीक है। चलो
66 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर दी मेराइन बट है ना माइग्रेट फ्रॉम स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। चीजों को छोटे छोटे फॉर्म में याद रखेंगे। वन सेकेंड, चल अगली बात करते हैं। तो 66 में हमें क्या करना है, विच द फॉलोइंग मैराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉन। एग्जाम्पल ही तो है तो भाई, पेट्रोमाइजोन और लैम्प्रे दोनों ही आते हैं। नेक्स्ट 67 आसान है, साइक्लोस्टोम्स के बारे में है। 68 लास्ट नेम साइक्लोस्टोमेटा का मतलब माउथ एंटीरियो वेंट्रल है ना, सबटूरियल एंड सब है ना सब। स्टडी ऑफ फिश को हम क्या बोलते हैं, एक थायोलॉजी है। सरपेंटो तो सांप रेप्टिलियंस को बोलते हैं है ना, ये वो घड़ियाल वगैरह की बात कर रहे हैं, ये मोलस्का की बात कर 70 की बात करेंगे। मैराइन स्ट्रीमलाइन कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन वेंट्रल माउथ कॉडल हेट्रोसेलस नोटोकॉर्पस सिस्टम। ये फीचर्स किस में मिल रहे हैं, तो टोटल यहाँ पर चार हैं, आप काउंट कर लेना 71 की बात। स्केल्स फाउंड इन कॉन्ड्रैक्टाइल्स कौन कौन से हैं, प्लैकवाइड टाइप ऑफ स्केल्स, क्या वर्ड यूज किया, प्लैकवाइड टाइप ऑफ स्केल्स, बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 172 ट्राई करो बच्चों, ट्राई करो 172, बहुत आसान है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कार्टिलेजिनस फिश। तो इसमें मेल्स में क्लास्पर होते हैं कॉपुलेशन के लिए, तो ये आंसर आपका चला गया, ठीक है। चलो 73, सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव टू चैम्बर्ड हार्ट एंड पॉइक्लोथ्रम्स। यहां पर आपको टोटल 13 आ जाएंगे ना सारे के सारे, टू चैम्बर्ड हार्ट है चीजें यहाँ पर डिफरेंट है ना, जो कि रॉन्गली रिटर्न है कार्टिलेजनस में। और 74 की बात, मोस्टली ओवी पेरस नहीं वीवी पेरस होते हैं कार्टिलेजनस, ठीक है ना, तो ये याद रखो, दिस विल द रॉन्ग थिंग, दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर, ठीक है। 75, व्हिच फिश हैव पॉइजनस स्टिंग, 75 ट्राइगॉन, व्हिच फिश हैव इलेक्ट्रिकल ऑर्गन टॉर्पीडो, क्या वर्ड यूज किया बच्चों, टॉर्पीडो याद रखेंगे। मेल हैव क्लास्पर्स इन पेल्विक फिंस इज कॉल्ड, 77 कॉन्ड्रैक्टाइल्स, 77 हो गया। 78 की बात करेंगे, ग्रेट व्हाइट शार्क का साइंटिफिक नेम याद रखेंगे कार्केराडॉन, ठीक है। 79 किसके बारे में है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, मैराइन है, फ्रेश वाटर है, माउथ टर्मिनल है, कॉडल फिन्स, होमोसर्कल है, फोर पेयर गिल्स है, ऑस्टिक थीज, राइट, क्लियर, आसान। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन फाउंड फ्लाइंग फिश, क्या वर्ड यूज किया, फ्लाइंग फिश, ओके। नेक्स्ट वन अगेन आसान है ना, 82 याद रख लेना, एयर ब्लैडर विच रेगुलेट बायोन्सी, किसमें, तो बोनी फिश में ये होते हैं है ना, बोनी फिश में होते हैं याद रख। 84, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, तो बेटा की बात करो। 85, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग, तो ट्राइगॉन। 86 की बात करें, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग, ऑल आर करेक्ट, ठीक है भाई। देखो किसमें कितने फिश हैं, वो गिल्स है ना, किस फिश में, 1 2 3, ठीक है ना। चलो अगली बात करते हैं, 87,
ठीक है, हिप्पोपोटामस की बात करें, बोथ की बात करें, मैराइन बोनीफिश है। 88 लेबियो कटला दिस, 89 फ्रेश वाटर कार्टिलेजिनस फिश, यहां पर कोई है क्या? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सब मैराइन होते हैं ना। चलो अगला 90 की बात कर रहे हैं, एम्फीबियन इंडिकेट कैट, वो एक्वेटिक में भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल में भी रह सकते हैं, तो दोनों आंसर आ जाएंगे। 91 एम्फीबियन बिलोंग्स टू सुपर क्लास, राइट, एम्फीबियन बिलोंग्स टू विच सुपर क्लास अगर बात करते हैं, टेट्रापोडा, यस, पाइसेस और टेट्रापोडा दो सुपर क्लास होती है। 92 बताओ, हेड और ट्रंक में है, टेल कभी कभी होते हैं कभी नहीं, मॉइस्ट होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करते हैं, एक्सटर्नल स्केलेटन होते हैं और आईलिड्स होते हैं। 93 नेक्स्ट वन, रेस्पिरेशन इन एडल्ट फ्रॉग इज डन बाय, सबसे ही होता है भाई सब, हाँ, सारी चीजों से ही होता है। 93 बिल्कुल आसान। चलो बहुत बढ़िया, रेस्पिरेशन इन टैडपोल लार्वा इज डन बाय, है ना, रेस्पिरेशन इन टैडपोल लार्वा, 94 यस, ठीक है। 95 ओपन इनटू कॉमन चैम्बर क्लोका, ठीक है, तीनों ही चीजें मिलकर एक कॉमन चैम्बर बनाते हैं क्लोका, याद रखेंगे। Which type of dentition is found in amphibians? 96 की बात कर रहे हैं ना, 96 होमोडोंट, 97 थ्री चैम्बर्ड हार्ट, कोल्ड ब्लडेड, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फ्रॉग, 98 स्किन इज मॉइस्ट एंड अ टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, इक्थायोपीस, फ्रॉग, हाइला, सारा। 199 गुफो को टोड बोलते हैं, हाइला को ट्री फ्रॉग बोलते हैं, तो सी का फोर कहां पर है? दो जगहों पर, इसको तो उड़ा दो, है ना, और ए का फाइव कहां पर है? यहां पर है, आंसर मेरा, ठीक है ना, डन। लिम्बलेस एम्फीबियंस का नाम क्या है? तो आप एक थायरोफिस होना चाहिए, है ना, लिम्बलेस एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान, डन डन डन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स विच आर फुल्ली अडॉप्टेड फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ, पहली बार ऐसा किसमें हो? 38 चार क्वेश्चंस और हैं और अच्छे क्वेश्चंस। रेप्टिलियंस, परफेक्ट, रेप्टिलिया का मतलब क्या होता है? क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मूवमेंट जो करते हैं। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट रेप्टिलियंस, इनकरेक्ट अबाउट रेप्टिलियंस, बहुत आसान है, बॉडी इज कवर्ड बाई ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्केल्स, और ये सारी चीजें तो हैं, ये तो ठीक है, डिवाइड हेड नेक ट्रंक, है ना, ठीक है, हार्ट इज यूजुअली थ्री चैम्बर, ठीक है, बट दिस इज नॉट थिंग, दिस विल बी द आंसर। 203 का, हाँ जी, 203 का डी विल बी द आंसर। लंग्स और स्किन से, रेप्टाइल तो स्किन से कर ही नहीं सकते सर, ये देखें। 204 फोर चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, एक्सेप्ट पूछा है बच्चे, एक्सेप्ट द फॉलोइंग इज शेड देयर स्किन कास्ट, तो आपको याद रखना होगा 205 में बोथ लिजर्ड एंड स्नेक। हाँ बेटा, कल प्लांट किंगडम के सेशंस हो गए थे, ऑब्वियस सी बात है। चलो अगला 206, सेक्सेस आर सेपरेट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओविपेरस, डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड सीन इन केस ऑफ 206 में। नेक्स्ट 207, क्लोका इज सीन इन केस ऑफ,
एम्फीबियंस रेप्टिलियंस एंड एप्स, बेहतरीन क्वेश्चन। 208 इनकरेक्ट मैचिंग की बात है ना। 209 इनकरेक्ट मैचिंग कौन सा है, हेमीडेक्टाइला गार्डन रिजार्ड को नहीं बोलते हैं। 210 टोटल थ्री है, टोटल नंबर ऑफ इज दिस थ्री, ठीक है, क्लियर। ठीक है, डन डन डन, कोई डाउट अभी तक? चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइजनस स्नेक, कोबरा, क्रेथ, वाइपर, लिमलेस रेप्टिलियंस कौन से हैं, स्नेक। अच्छा जी, ये फीचर्स, फोर लिम्स इज मॉडिफाइड इनटू बर्ड्स में विंग्स होते हैं, ये तो हटाएं। दूसरा, जॉ इज मॉडिफाइड इनटू बीक, बिल्कुल ठीक है, तो सब में ही है। बोन्स आर न्यूमेटिक बोन्स, तो ये हटा दो, ये हटा दो, और ये पहले ही कट चुका है, ये कट गया, बचा क्या, बी विल बी द आंसर। 214, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स विच आर वार्म ब्लडेड, बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स विद द, एप्स हैव एडिशनल चैम्बर इन डाइजेस्टिव ट्रैक एंड विच हैज गिजार्ड एंड क्रॉप फॉर फूड स्टोरेज एंड फूड ग्राइंडिंग, याद रखेंगे गिजार्ड एंड क्रॉप। ऑल आर फ्लाइंग बर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्ट, बहुत आसान बहुत सिंपल, याद रखेंगे कुछ बेसिक चीजें हैं, जो पेंगविन वगैरह और इन सब की चीजें भी बात करते हैं। न्यूमेटिक बोन्स आर प्रेजेंट इन 17th की बात करते हैं, 17th की बात करें तो यहां पर सब में ही, वल्चर्स, पिकॉक, क्रो, सब में। 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट बर्ड्स, इनकरेक्ट अबाउट बर्ड्स, एयर सैक इज कनेक्टेड टू लंग्स विच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ये तो ठीक है ना। हाइंड लिम्स हैव स्केल्स मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, क्लास्पिंग, क्लास्पिंग का मतलब पकड़ना होता है, होल्ड करना। अच्छा फिर अगला क्या, सेपरेट सेक्स है, तो ठीक है ना। इनकरेक्ट में एंडोस्केलेटन फेदर्स एंडो में नहीं होता, तो ये गलत हो गया, एक्सो होता है, ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। 219 की बात करें, मैमल्स मीन्स ऑर्गेनिज्म हैव व्हाट, मेमोरी ग्लैंड, क्लियर है ना। अच्छा 220 क्वेश्चन, सिर्फ 18-19 क्वेश्चन और रहते हैं। फॉलोइंग फीचर्स बिलोंग्स टू, ये एक्सोस्केलेटन, पिन्ना, पिन्ना प्रेजेंट है, हार्ट, फोर चैम्बर, वार्म ब्लड, थीकोडोंट, हेटरोडोंट, आंसर इज मैमल, ठीक है। 221 क्वेश्चन की बात करें, आखिरी की 18 क्वेश्चन और, मैमल्स आर एडॉप्टेड फॉर एनीथिंग, मैमल्स तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। 222 क्वेश्चन, 222, मैमल्स विवीपेरस होते हैं, ओवीपेरस मैमल्स के एग्जाम्पल में हमारे पास प्लैटिपस, डक बिल्ड प्लैटिपस और इकिडना एंट ईटर दो होते हैं, इसको ऑर्निथोरिंकस बोलते हैं। 224 इनकरेक्ट मैचिंग में हमारे पास एलिफस, एलिफेंट को बोलते हैं, ना कि कैमल को, ठीक है, हाँ ठीक है। इनकरेक्ट मैचिंग अगेन 225, एम्फीबियंस में नाजा नहीं होते, ये एम्फीबियंस नहीं है, ये रेप्टिलियंस है। एक्वेटिक मैमल्स कौन सा है इसमें, 26, तो बेलोनोप्टेरा, व्हाइट, ब्लू वेल की बात करें, ब्लू वेल, ये देखो, 27 बिल्कुल आसान, रैट के लिए क्या बोलेंगे हम, रैटस, रैटस। 28 बैट बोल रहे हैं, एरियल अडॉप्टेशन मतलब हवा में उड़ सकता है, वैसे अडॉप्टेशंस हैं इसके पास, ठीक है, डन है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बेहतरीन। 29 बेसिक फंडामेंटल फीचर विच एनेबल अस टू, है ना, ब्रॉडली क्लासिफाई एनिमल्स आर, 29 में, बाय लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन, सिलोम, सेगमेंटेशन, ऑल ऑफ, ठीक है, परफेक्ट। सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वर्ड, और देखो जी, ऐसा सिलेंट्रेटा के पास टेंटिकल्स होते हैं, टीनोफोरा मेराइन्स हैं,
एनेलिडा मेटासेंट्रिक मेटा मेरिक सेगमेंटेशन है, इकाइनोडर्मेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, सारी बातें ठीक ठीक है। मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टोपैरासाइट बिलोंग्स टू 231 साइक्लोस्टोमेटा, 232। अच्छा है, इनकरेक्ट मैचिंग में कौन कौन सा, ए बी सी डी बताओ, दिस है ना, ये फाइलम है और ये इसमें ए, और ये फाइलम, सेगमेंटेशन एब्सेंट, एब्सेंट प्रेजेंट की बातें की गई सर्कुलेटरी सिस्टम के फॉर्म में, ठीक है तो इनकरेक्ट पूछा। ये डायग्राम किसका है ये बताओ, ये डायग्राम किस चीज का है, ट्राई करो, ये डायग्राम किस चीज का है, 232 रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट वन 34 तो सेल्पा हाइलॉन है ना, इसके बारे में 35 बता दो बच्चों। तो ये प्रोटोनेफ्रिडिया, इसमें कैसे एक्सक्रीशन होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया टेपवर्म की बात। 36 बताओ, तो बॉडी इज सेगमेंटेड एंड कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल, डन। 237 यहां पर समझ में आना चाहिए, मैराइन हैबिटेट में कौन कौन से हैं, टोटल 4 हैं जो है ना, रोहू कटला को छोड़ दो बाकी सारे मैराइन है, ठीक है। और आज का आखिरी का क्वेश्चन, ये किससे रेस्पायर करता है, तो देखो ऐसा है, फ्रॉग के बारे में आपको सबको पता है, आया ना, लंग्स, दिस दिस और दैट्स इट। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, खूब अच्छे से हम लोगों ने इसको एमसीक्यूज किए, एक और एमसीक्यूज हालांकि कराऊंगा बट तुम सो जाओ, कल मिलते हैं। और 30 अक्टूबर को कुछ बेहतरीन चीजें होने वाली हैं, जैसे आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू नीट, आप इनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एक बढ़िया सेशन लगाया हुआ है 30 अक्टूबर को 10 बजे के पहले सेशन में, डॉक्टर आनंद मणि आप रिदम अग्रवाल के साथ में बात करेंगे रिलेटेड टू टाइम टेबल, सब्जेक्ट वाइज दिस है ना, ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, क्या हम नीट क्रैक कर सकते हैं या नहीं, है ना, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको बहुत अच्छे से कर। नेक्स्ट वन सेकंड सेशन में 11 बजे की बात जब करेंगे तो वहां पर कौन सी बुक फॉलो करनी, डॉक्टर एस के सिंह अभ्युदय के साथ में बात करेंगे इन बातों, दीज आर द फीचर्स, यहां पर कुछ बातें हो रही हैं। जो बच्चे प्लस पर आना चाहते हैं उनको किसी भी फीस में, लाइक प्लस का 38,000 कोड यूज करोगे 80 सर एंड यू विल गेट 10% ऑफ, उसी तरह से आइकॉनिक में कोड यूज करोगे 80 सर एंड यू विल गेट 10% ऑफ, 58,500 ये हो जाएगा, 34,650 रुपीज ये हो जाएगा, दोनों में ही आपके बेनिफिट्स बेहतरीन हो रहे हैं, है ना। एंड गॉड ब्लेस यू, खूब मेहनत से पढ़ो, ये कोड यूज करना है प्लस के लिए और मेहनत करते हैं, ठीक है, बाय एंड गुड नाइट, मिलते हैं कल सेम टाइम पर 11 बजे कुछ नए चैप्टर्स के साथ, ठीक है, बाय बच्चों।